दोस्तों यह है हीरो की तरफ से हीरो सुपर स्प्लेंडर और ये 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। BS7 बाइक आपके सामने मिल रही है, ये हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक BS7 बाइक है। तो यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा 360 व्यू भी दिखा देता हूँ और देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या बदलाव किया गया है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जिन्होंने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो बात करेंगे हम इस बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको लुक बिल्कुल सेम मिलेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वाइज़र आपको देखने को मिल जाएगा स्मोकी ब्लैक में, ब्लैक कलर का वाइज़र मिल जाएगा। इसमें आपको स्टिकर बहुत ही बढ़िया प्यारे मिल जाएंगे, इंडिकेटर, और यहाँ पर फ्रंट में जो भी आपको हेडलाइट है ये आपको हैलोजन के साथ में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। डिस्क का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, IBS टेक्नोलॉजी मिल जाती है। टायर इसमें आपको मिल जाते हैं 8018 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और यहाँ पर फ्रंट की प्रोफाइल में आप बात करेंगे, जैसे यहाँ के इसका जो व्हील है, व्हील में कोई भी आपको स्टिकर नहीं मिलेगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसका व्हील का पैटर्न। और इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं तो इसमें आपको मीटर की केबल आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ से आप देख सकते हैं मीटर की केबल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा होने वाला है और यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा 3D के साथ में क्रोम फिनिशिंग में। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इसके जो हैंडल बार हैं और इसमें आपको स्विच बार आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। इसमें भी कोई भी बदलाव किया नहीं गया है। साथ में इसके मीटर कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, की आपकी कुछ ऐसी मिलेगी जो आपको पहले भी मिलती रही है नॉर्मल। यहाँ पर आपको हीरो का लोगो और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। मीटर कंट्रोल आप देख सकते हैं, इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते अपने कोई भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ये आपको मीटर कंट्रोल है, यहाँ पर आपको ग्रे कलर का शेड मिल जाएगा और ये मीटर कंट्रोल आपको सेमी डिजिटल के साथ में मिल जाएगा। यहाँ पर ABS लिखा हुआ है, ये ABS मटेरियल से बना हुआ है, इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है, काफ़ी फीचर भी इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे इकोनॉमी लिखा हुआ है, या मतलब आप 40 या 50 के बीच में, आप 60 तक भी चलाएंगे तो इकोनॉमी जोन में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इस बाइक से माइलेज आपको मिलने वाला है। अगर बात करें इस बाइक के माइलेज की तो माइलेज आपको इसमें आपको 55 to 62 तक आपको बढ़िया सा माइलेज देने वाली है ये बाइक। यहाँ पर इंजन चेक और यहाँ पर आपको I3S देखने को मिलेगा। एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं I3S। यहाँ पर आपको न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको न्यूट्रल हो गया, साथ में आप साइड स्टैंड लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको हाई बीम टर्न इंडिकेटर, हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा। स्पीडोमीटर आपको काफ़ी बड़ा सा देखने को मिलेगा, ऑडोमीटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर डिजिटल में, फ्यूल गेज, क्लॉक और यहाँ पर आपको सेट मोड की बटन देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं और ये BS6 नहीं BS7 बाइक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसके फ्यूल टैंक में सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये 3D में नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको स्टिकर में देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स आपको काफ़ी प्यारा देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। रियर में आप हीरो की ब्रांडिंग भी देख सकते हैं, I3S इसमें आपको मिल जाएगा। इंजन आपको सेम मिलने वाला, इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं 5-speed गियरबॉक्स सेटअप देखने को मिलेगा साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ में। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं E20 यानी आप इसमें इथेनॉल 20% मिक्स करके आप चला सकते हैं, ये BS7 बाइक आप कह सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी अच्छा बदलाव भी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये आपको सेम देखने को मिलेगी जो पहले आपको देखने को मिल जाता था, और फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का देखने को मिलेगा। साथ में इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिलती है, काफ़ी कुशनिंग के साथ में इसमें आपको सीट देखने को मिलेगी। जो ग्रैबरेल है आपको यहाँ से आप देखेंगे स्टिकर के साथ में मैच होता हुआ आपको ग्रैबरेल देखने को मिलेगा। टेल लैम्प में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग और लोगो दोनों ही स्टिकर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आपको जो आपको फीमेल फुटरेस्ट है आपको और साड़ी गार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको सीट ओपन कर ले के लिए प्लेस मिलेगा। और जो इसका रियर का टेल लैंप है ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर और नीचे आप नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड की बात कर ले तो यहाँ से आप देख सकते हैं रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक और टायर आपको सेम देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 90-90-18 का मिल जाता है और
जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका एग्जॉस्ट है ये बदल दिया गया है, पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले आपको काफ़ी बल्कि सा एग्जॉस्ट देखने को मिलता था, लेकिन इसको कंपनी ने ध्यान में रखते हुए इसको अपग्रेड कर दिया है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन मिलते हैं ये आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर मिल जाता है। यहाँ पर साइलेंसर में आपको क्रोम की मफलर देखने को मिल जाएगी। फीमेल जो यहाँ पर राइडर जो पिलियन राइडर फुटरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल, इसमें किक और सेल्फ दोनों ही मिलते हैं। बात करते हैं हम इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है ये आपको 124.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक OHC BS7 इंजन आपको मिलेगा, और ये 2023 का सबसे लेटेस्ट इंजन आपको मिल जाता है 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ में। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग प्रोग्राम्ड FI देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर I3S भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें इस बाइक में काफ़ी बढ़िया से देखने को मिल जाएंगी। और फ्रंट का लुक मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको बाइक कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो ये इसके कुछ अपडेट थे, और बात कर लेते हैं हम इस बाइक के प्राइस की। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये आपको 98,500 रुपये लगभग में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बाइक आपको उपलब्ध होगी श्याम मोटर्स GT रोड नवाबाग फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर को आप परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।